जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दुनिया में सबसे ज्यादा खपत वाले पाम तेल की कीमतों में भारी गिरावट की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सितंबर तक इसका भाव 20% गिरकर $673 प्रति टन तक जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया से तेल की आपूर्ति में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। वहीं गोदरेज इंटरनेशनल लिमिटेड के निर्देशक ने कहा कि इंडोनेशिया के शीर्ष निर्यातकों के पास तेल का भंडार बढ़कर 1 करोड़ टन हो गया है। ज्यादा उत्पादन के कारण ये अगस्त में भी बढ़ेगा, जबकि सितंबर तक इसका भंडार 90 लाख टन 1 करोड़ टन रह सकता है। उन्होंने कहा, जहाज के साथ हर किसी का उपयोग तेल के भंडार के लिए किया जा रहा है। पाम तेल की कीमतों में गिरावट से वैश्विक स्तर पर खाद्य महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। मई और जून में महंगाई अपने शीर्ष पर पहुंच गई थी। इस साल मई में मिस्र ने पाम तेल की कीमतों में भारी गिरावट की बात कही थी। अब ये बात सही हो रही है। अप्रैल में इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, इससे तेल की कीमतें बढ़ गई थी। भारत में भी इस वजह से खाने के तेल का भाव ऊंचा हो गया था। हालांकि प्रतिबंध 3 हफ्ते बाद हट गया था। इंडोनेशिया ने शनिवार को कहा था कि वह अगस्त के अंत तक निर्यात लेवी को घटा। उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद पाम तेल की कीमतें और ज्यादा नीचे आ सकती है। वहीं बता दें, पतंजलि फूड्स ने कहा कि वह जल्द ही सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती करेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, 1-2 दिन में सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए ये घटेगी। वहीं हालांकि पिछले 45 दिनों में कुल कटौती 30 से 35 रुपए की ही हो जाएगी। इससे पहले मदर डेयरी ने 14 रुपए लीटर और अदानी विल्मर ने 30 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। सरकार ने इसी महीने में तेल कंपनियों को 1 हफ्ते में कीमतों को घटाने का निर्देश दिया था। हाल के समय में वैश्विक स्तर पर तेल के दाम में 15 से 20% की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।